हेलो एवरीवन, मैं दिनेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ईवन कंसेप्ट पे। और हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं ईवन रीजनिंग फॉर द पर्पस ऑफ एसएससी पेपर। एसएससी के किसी भी पेपर के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सर्वोत्तम है। आप इसका अनुसरण करें और अपने पेपर को अच्छा बनाने की भरसक जो तैयारियां हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। टाइमर को सेट कर लिया गया। ये ईवन कंसेप्ट था जो हमेशा की तरह आपके लिए आता है और रोज ये बताता है कि भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना और क्वेश्चन की तैयारी ध्यान से एवन तरीके से करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ द एसएससी ये आपकी स्क्रीन पे। अब पहला क्वेश्चन यहां पर आपके पास आ चुका है और आपका काम है सॉल्व करना, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा और आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये और समय शुरू कर दिया गया है। बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं भी आता हूं ऑनलाइन सभी के साथ साथ। चलिए बिल्कुल दीपक प्रणाम। और बी आंसर आ भी गया, यस बढ़िया। चलिए शानदार, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, बी। आपके पास क्वेश्चन का आंसर भी है, एक बार चेक करें क्या आ जाए। चेक करने के नाम पे आप जब पहुंचे तो क्वेश्चन के लिए क्या क्या है क्या क्या नहीं है ये भी देख लेते हैं जी। ठीक है, क्या वैल्यूज हैं और क्या वैल्यूज नहीं है। यहां से आते हैं वी एस क्यू, वी एस और क्यू, तीन कम है क्या। यहां से देखा गया तो 22 में से तीन कम करने पर आता है एस और दो कम करने पर आता है ये, तीन और दो कम है बिल्कुल यस। यहां से आप आए तो तीन और यहां पर आपका गड़बड़ था क्या, तीन और चार कम है बेटा, ये तीन कम हुआ था और ये कम कर गया यहाँ पर चार। तो ऑप्शन क्वेश्चन का बी बनना चाहिए था, यस बी इज द आंसर, परफेक्ट है। पहले तीन कम था फिर दो कम था तो बाकी सबका गैप अलग है और इसका गैप अलग है, तो जिसका गैप अलग होता है वही आपके क्वेश्चन का आंसर है, डन। तो अंतर के आधार पे आपने अंदर निकाल लिया ये वाला। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, आपके पास क्वेश्चंस है और डायग्राम भी है, आपको देखना है कौन सा आपके क्वेश्चन का आंसर देता है, कौन से आपके क्वेश्चन का आंसर देता है, कौन सा डायग्राम है जो आपके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट करता है। बताइए दिए गए क्वेश्चन के ऑप्शंस आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टेबलेट और लैपटॉप। चार चीजें ध्यान रखना, जनरली तीन का ही क्वेश्चन आता है, चार चीजें हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप। कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा, कौन सा आंसर आएगा भाई, ए सी। महेंद्र, महेंद्र कहते हैं सी आएगा, फौजी कहता है ए आएगा। बेटा फौजी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो सारे ही हैं ये, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तो सारे ही हैं, चाहे तो वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे वो लैपटॉप हो। तो ज्यादा अच्छा सी आंसर देना, क्या आंसर देना, सी आंसर देना, ज्यादा फ्रूटफुल है, ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, सी इज द प्रॉपर आंसर ऑफ द क्वेश्चन, डन। एक तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़ा है, मोबाइल अलग होता है, टैबलेट अलग होता है और लैपटॉप अलग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर आएगा, टेबल है सर, टेबल 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 कहां लिखा, टेबलेट टेबलेट, अच्छा अरे रुको रे भाई, देखो देखो गलत हो गया ना, देखो फौजी पढ़ गया सही, अभी गलत हो जाता क्वेश्चन, सही कह रहा था, यस फौजी सही है, फौजी सही कर गया भाई, ये टेबल है टेबलेट नहीं है। हाँ तुम भी मेरी तरह, मैं भी तुम्हारी तरह भावनाओं में बह गया भाई, भावनाओं में बह गया, टेबल है, टेबल मतलब टेबल चेयर है, मोबाइल फोन टेबल और लैपटॉप, तो भाई साहब अब तो यही बनना है इसका, ठीक है, टेबल ना तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है और ना कुछ हो रहेगा, ठीक है बढ़िया। ए आंसर भी है ना, क्वेश्चन का आंसर ए देंगे बिल्कुल निश्चित रूप से फौजी, ए आंसर देंगे, वो टेबल है टेबलेट नहीं है, चलो बढ़िया, ठीक है। तो बढ़िया था, उत्तम, देखो ऐसे तो था विचार क्या तरीके से क्या आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन तो रोज सा ही आता है आजकल तो, है ना, रोज सा मतलब आता ही क्वेश्चन का पार्ट है, तो आएगा ही, तो इसको बोलते हैं डायग्राम पेपर कटिंग फोल्डिंग वाला, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन था। चलिए फटाफट से बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या ही है, क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे,
क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? बी। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई? ये तो इजी गोइंग सा होता है, इसमें टाइमर खा गए तो लग जाएगा। सभी का आंसर आ गया बी, नीतीश, फौजी, महेंद्र, बीना, बी आंसर है। चेक एक बार चेक कर लेते हैं, देखो सिमेट्री देख लिया करो तुम, तो चारों की समित्ता बराबर है क्या? काम खत्म मारो, ये चारों बराबर के पार्ट बना रहे हैं क्या? यहाँ पर देखोगे तो चारों पार्ट बराबर है क्या? नहीं लग रहा ना, हटाओ इसको, इसके भी चारों पार्ट को लाइन खींचो, देख लिया करो यहाँ से, ये दोनों ठीक बैटरी है, ये दोनों ठीक बैटरी, लेकिन ये दोनों ठीक नहीं है, हटाओ। ठीक है, इसके भी चार पार्ट बना लो और चारों पार्ट देख लो सिमेट्री ठीक है क्या, ये सिमेट्री, ये भी सिमेट्री ठीक नहीं, बैटरी हटाओ। एक ही बात आपके पास में, कौन सा है? बी इज द परफेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, संभिता को देखो क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। चलिए अगला, बहुत आसान क्वेश्चन पहले आ गया आज, नहीं चलो कोई बात नहीं, आसान आ गए तो करने ही है, हटाने तो सारे ही थे। बताओ इस सीक्वेंस को अगर सॉल्व करते हैं तो क्या क्रम बनेगा? इस सीक्वेंस को अगर सॉल्व करेंगे तो क्रम क्या बनेगा, क्या आंसर देंगे इसका? एल जी डैश क्यू डैश जी पी डैश एल डैश पी क्यू डैश जी डैश क्यू, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देते हैं तो क्या आंसर आएगा? क्या आंसर देंगे भाई इसका? चलिए डी आंसर है, डी बीना महेंद्र और नीतीश कहते हैं डी आंसर है, तो हो जाएगा डी, तो इसका मतलब आप दे रहे हैं तो प्रॉपर ही है। डी के नाम पे आए तो देखो क्यू लास्ट में था, तो क्यू जहां पर भी है, ये चार हो गए, तो मतलब एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार बन गया। अब आप ध्यान से देखें तो क्यू पी जी पी क्यू है, तो पी पी क्यू, ये भी पी क्यू है और ये भी पी क्यू था, एल जी पी क्यू, एल जी पी क्यू और एल जी पी क्यू और ये आ गया एल जी पी क्यू, तो वैल्यू आ गई थी पी एल क्यू, पी एल हटाओ, पी एल हटाओ, पी एल क्यू, पी एल क्यू, ये भी गया, एक बार भी निकल गया, तो डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया बेटा आपका? डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा एक बार देखना, मुझे लगता नहीं कि आज ये कुछ समझ में आएगा, पर भी एक बार ट्राई करना अपने लेवल पे कि क्या आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है क्या। ठीक है, मेरे ख्याल से दिख जाता है ना आप लोगों को, दिख जाता है। दिख जा रहा है, कर ले। एक बच्चे का आंसर है डी, बाकी सब क्या बेटा? आ जाए शॉर्ट करते हैं इसको, छोड़ी है। आज कुछ ताले चाबी हैं, सम लॉक्स आर की, सम आर की, सम एल आर के। ठीक है, उसके बाद में कहता नो लॉक इज अ चैन, लॉक का चैन से मना था, लॉक का चैन से मना है, और ऑल स्प्रिंग्स आर चेंस, ऑल स्प्रिंग्स आर चेंस, ये बन गया आपका। आपको कहता है सम की आर एस, सम के आर एस गलत है, रॉन्ग, नो की इज स्प्रिंग, नो के इज स्प्रिंग बात सही है, नो एल इज एस, नो एल इज एस गलत बात है, और पहले और लास्ट में की और एल इधर और भी नहीं है, तो ओनली सेकंड बनता है बेटा, ओनली सेकंड क्या था? ए है, ए आंसर बेटा इसका, ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का विकल्प है ए, सही आंसर है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का क्या आंसर बेटा? ए सही आंसर है। ठीक है, पहला काम दो, पहला तीसरा गलत था, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए, डन। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट, ये रहा, इसको मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन है, बहुत बार फंसा देते हैं, कौन सा नंबर है जो जस्टिफाई करता है कि आपका आंसर देगा, कौन सा नंबर है जो जस्टिफाई करता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये या जो भी है, क्या आंसर आएगा? 12 7 70 15 6 78 11 9, तो क्या
क्या आंसर आएगा? क्या आंसर देंगे इसका बताओ? क्या आएगा? सी आंसर आएगा, बिल्कुल। फर्स्ट एंड सेकंड, पहले को दूसरे में से घटा दो, घटा दिया, कितना बच गया? पांच। पहले को दूसरे में से घटा दिया, कितना बच गया भाई? पांच। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? अरे ऐसा तो नहीं है, इसमें तो बहुत सिंपल सा था। आ जाओ फर्स्ट, अच्छा पहले में से दो घटा दो और फिर गुणा कर दो, यही सही बात है, ये ठीक है, ये तो ठीक था। 12 में से घटाए गए दो तो आ गए थे आपके पास 10, को गुणा किया गया 7 से तो आ गया था 70, ठीक है। 15 में से घटाए गए दो तो आ गया था 13, गुणा किया गया 6 से 78। उसके बाद में 11 में से दो घटाने पर आएगा 9, गुणा करेंगे 9 से तो आएगा 81। 81 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 81 क्वेश्चन का सही आंसर था बेटा, 81 क्वेश्चन का सही आंसर था, बिल्कुल। 12 में से दो कम करने पर 10 आता है और 10 का 7 गुना 70 था, ठीक है। 10 का 7 गुना 70 था, 13 का 6 गुना 78 था, तो 9 का 9 गुना 81 था। डन, क्लियर है? तो क्वेश्चन का आंसर ये था। चलिए अगला क्वेश्चन, एक डायरेक्शन का बेस्ड है, कुछ लंबा है, एक बार छोड़ते हैं इसको, आ जाते हैं। इवन कंसेप्ट की बात कर रहा है तो ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 14421, तो किसका किससे क्या होगा? 14 का संबंध 421 के साथ में जैसा है, 14 का संबंध 421 के साथ में जैसा है, ऐसा ही संबंध किसका निकालना है आपको, किसके साथ है दिखना है? क्या आंसर आएगा बताओ? चलो टिपिकल एक क्वेश्चन था, हल्का सा टिपिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाते तो बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बनेगा। क्या बनता है? तो ये था 14 का संबंध 421 के साथ जैसा है, तो कहता है 14, ये कह रहा है कि मेरे पास दो नंबर है, एक है 14 एक है 15, दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका आता है 196 और इसका आता है 225, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो मेरे पास आता है 421, ठीक है। तो कितना आता है? 421 मेरे पास में आता है, धुंधला दिखाई देता है। अच्छा ठीक है, इसको हटा देते हैं भाई, नया पेन लेते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आता है क्या, 14 मेरे पास है तो ये मानता है कि 14 है नहीं, एक 14 है और एक 15 लेता हूं, दोनों का स्क्वायर करता हूं, दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 421। इसका होता है बेटा 196 और ये होता है 225। जब दोनों को ऐड किया गया तो वैल्यू मेरे पास में 421 आई, ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे ही कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है? तो 13 के स्क्वायर में 14 का जोड़ें तो 179 में अगर 196 ऐड करता हूं तो मेरे पास में 10 तो ये आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो मेरा कैंसिल ही हो जाएगा, ऑप्शन ए तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो ही जाना है, ठीक। तो ये तो मेरा कैंसिल है। अब मैं क्या 11 और 12, 144 265, तो बी मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यस, बी मेरे क्वेश्चन का आंसर। डन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, सीरीज का क्वेश्चन है, बताना था, बढ़िया क्वेश्चन,
क्या आंसर आएगा बताइए। क्या आंसर आएगा? 9, 29, 67, 129 उसके बाद क्या और उसके बाद क्या? 9, 29, 67, 129 उसके बाद क्या? ऐसे सीधा क्वेश्चन तो वैसे आएगा नहीं तुम्हारे लिए। इसमें सेकंड्स खा गए यार, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, ये तो बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। बताइए, ये तो बहुत ही एक आसान प्रकार का क्वेश्चन है बेटा। क्यूब नंबर याद है क्या? कितनी बार तो बोला क्यूब नंबर याद करो, क्यूब नंबर याद करो। इससे ज्यादा सीधा क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। ये तो क्यूब नंबर वाला क्वेश्चन था, अगर आपको क्यूब नंबर भी लिख लेने थे तो क्वेश्चन बन ही गया था आपका। ठीक है, क्यूब नंबर लिख लेते तो भी क्वेश्चन आपका बन जाता, इतना सीधा क्वेश्चन था। अगर मैं क्यूब नंबर लिखता हूं तो पहले क्यूब में लिख रहा हूं, देखो क्यूब नंबर क्या लिखा गया। पहले का क्यूब है, पहले का छोड़ दो, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, फिर आता है 64, फिर आता है 125, फिर आता है 216, फिर आता है 343। इसमें प्लस का 1 करें, इसमें प्लस का 2 करें, इसमें प्लस का 3 करें, इसमें प्लस का 4 करें, इसमें प्लस का 5 करें और इसमें प्लस का 6 करें। हो गया काम, सीरीज बन गई आपकी। 9, 29, 67 और ये आ गया आपका 221 और ये आ गया आपका 3, 4 और ये 9। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? 221 आपके क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आसान एक आइडिया था, बहुत ज्यादा आसान तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्या किया गया, केवल और केवल क्यूब नंबर में जोड़ा गया था, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये नंबर आपको जोड़ा गया, तो ये क्या करना था, क्या आंसर आएगा आपको आना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक, क्या आंसर देंगे इसका? ये कैलकुलेशन वाला है तो सॉल्व करिए, किसको किस में बदल दिया गया है तो क्या होगा, साइन को किस में बदला गया, किस साइन को ध्यान देना है, उसके बाद में सॉल्व करना है। ठीक है, किसी साइन को अगर किसी से बदल दिया जाए तो क्या होगा? माइनस और मल्टीप्लाई को क्या कर रहा है, आपस में एक्सचेंज कर रहा है। माइनस और मल्टीप्लाई को अगर आपस में एक्सचेंज करेगा तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में कर देगा एक्सचेंज, तो क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे आप? चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन आपके विकल्प का, या कौन सा विकल्प आपके क्वेश्चन का आंसर है? आए चेक करते हैं, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। और क्वेश्चन का आंसर पे चलते हैं ना, क्वेश्चन के आंसर में किस किस को चेंज किया गया बेटा? माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में किया गया चेंज। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की जगह तो आएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा आपका मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये माइनस का आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आपका माइनस आएगा ही आएगा। चलिए वैल्यू निकालनी है तो पहले से चलते हैं, डिवाइड जा रहा है, 8 वैल्यू आएगी। 8 को अगर आप इससे गुणा करते हैं किससे, 22 से, तो 160 और 8 दूनी 16 की अगर बात कर ली जाए तो आपके पास वैल्यू जो आएगी 16, 6, 16 और 1, 17, 176 आएगा। माइनस आप करेंगे 3 प्लस का 30, तो वैल्यू तो आपके पास ज्यादा जाएगी, पहला तो गलत है जी। दूसरे पे आप आ गए तो यहाँ पर आपका डिवाइड था 6 और 6 को गुणा करेंगे आप 12 से, तो आपके पास आएगा 72, 72, 36 प्लस 14 और ये आपको लेस करना था 72, ये भी आपके वैल्यू गलत हो जाएगी, हटाओ। आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, थर्ड की। थर्ड के नाम पे आप तो ये गया था, आपके पास आ गया था 119, 7 गुणा 6 करने पर 42 आता है और 42 में जब आप 24 ऐड करते हैं और 34 लेस करते हैं तो आपके पास वैल्यू बचती है कितनी बेटा, ये तो गया तो माइनस का 10, तो 32। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल बढ़िया, सी डनाडन क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी है। करके देखना पड़ेगा बेटा, देखो पेन पेंसिल चलाओगे तो ही प्रैक्टिस है, अभी यहाँ पर अगर टाइम लग रहा है
तो किसी क्वेश्चन में टाइम बचता भी है, तो बैलेंस करके हम लोग 11-12 मिनट का एवरेज निकाल के रखें ज्यादा ठीक रहता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कोडिंग डिकोडिंग में आजकल ये फॉर्मेट काफी चल रहा है, तो इस फॉर्मेट में थोड़ा सा काम कर लेना, क्या किसका कोड है। अब तो सीधा सीधा तो नहीं बताऊंगा, पर आजकल वो चल रहा है मल्टीप्लाई वाला कुछ चल रहा है। कौन सा चल रहा है बेटा? मल्टीप्लाई वाली कहानी कुछ चल रही है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, मल्टीप्लाई वाला कंटेंट थोड़ा सा ध्यान लगा के करना। चलिए बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का। इफ स्ट्रीम इज कोडेड बाय दिस वन, स्ट्रीम का कोड है ऐसा 1614184522228, तो क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? तो पीरियड का क्या होगा? बढ़िया, एक आंसर आया फौजी का। चले, ज्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन को, केवल हार्ड बनाया गया। सुनिए, आपके पास वैल्यू क्या है? स्ट्रीम की वैल्यू है क्या? वैल्यू लिखी गई स्ट्रीम। इसमें दिमाग लगाया क्वेश्चन में क्या, पहला तो किया उसको अपोजिट किया गया, एस टी आर ई एम ये लिखा गया। एस का अपोजिट होता है बेटा एच, एच का जी का होता है टी, आर का होता है आई, ई का होता है वी, ए का होता है जेड और एम का होता है बेटा आपका एन। अब इनकी प्लेस वैल्यू का डबल करके लिखा गया, 16 का हो गया 32। 16 का कितना लिख रहा है बेटा ये 8 का, सॉरी 8 का लिख रहा है 16, 7 का लिख रहा है 14, 9 का लिख रहा है आपके पास 18, 22 का लिख रहा है 44, 26 का लिख रहा था 52 और 14 का लिख रहा है 28। तो वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। पहला किया गया था अपोजिट, अपोजिट करके क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। अपोजिट करके क्या कर रहा है? डबल कर रहा है। तो आप तो सीधे सीधे से इसका आपके पास क्या आएगा, डी लिखा हुआ है, तो डी का मतलब 23 दूनी 46, तो ये कटा आपका, ठीक है। ऐसे ही पहले में क्या था, पी, पी का मतलब के, के का मतलब 22, ये भी कटा आपका, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, 22 22 44 44, यहाँ पर लिखा है 18, यहाँ पर लिखा है 20, मतलब तीसरे नंबर का 9 दूनी 18 बी आएगा, ये भी चला गया, ठीक है। तो बी परफेक्ट आंसर था, क्वेश्चन सीखने से आएगा बेटा, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सीखोगे उतना कमांड बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो जितना आप देखो क्या किया, पहले अपोजिट कर रहा है फिर उसका डबल कर रहा है, अपोजिट का डबल कर रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन ये रहा, क्या आंसर्स देखें इसका, कोडिंग डिकोडिंग है, दिख जाना चाहिए था, फिर भी एक बार देखे कहां दिक्कत आ रही, देखना है ना। क्या आंसर आएगा बताइए? पेंसिल, PENCIL का कोड है MK, पेंसिल का कोड क्या है एक बार मैं जस्टिफाई कर लेता हूं। पेंसिल इज कोडेड बाय MKFRJV, MK F R J और V, ठीक है। और इरेजर का कोड था SGVEW और K, तो किसका पूछा भाई? मास्टर का पूछा गया, बताइए मास्टर का क्या कोड हुआ, तो मास्टर का क्या कोड होगा? अरे बहुत आसान है क्वेश्चन था बेटा ये, तो देखो ध्यान से, रिवर्स कोडिंग है, एल से एम, आई से के, सी से एफ, एन से आर, ई से जी और पी से वी। पहले एक ऐड किया, दो ऐड किए, तीन ऐड करेगा, चार ऐड कर रहा है, पांच ऐड कर रहा है और छह ऐड कर रहा है। रिवर्स में 1 2 3 4 5 6 बढ़ा रहा है, यहां से भी देखो तो आर से एस, ई से जी, दिख जाएगा आप तो रिवर्स करके 1 2 3 4 5 जोड़ा गया। अब हम भी कहते हैं एक जोड़ेंगे तो आएगा आर का एस, तो ये दोनों तो चले गए घर पे, ठीक है। आर का बनेगा एस, ई का बनेगा जी, ये लो जी क्वेश्चन का आंसर, इसको भी जाने दो, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया?
जी बी आपके क्वेश्चन का आंसर था, आया और आगे आप चले गए। तो बढ़िया क्वेश्चन एक देखने को मिला, रिवर्स में भी प्लस 1 2 3 4 5 6 किया गया, रिवर्स करके भी जोड़ा गया, अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन। मैंने कहा ना, रोज कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, अगर हम लोग रोज कंटिन्यू करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। यहाँ पर आज सीखने को मिला रिवर्स में भी 1 2 3 4 5 को जोड़ना, ठीक है, रिवर्स करके जोड़ना। अगला क्वेश्चन सीरीज का बताइए क्या वैल्यूज हैं। चलिए बढ़िया एक क्वेश्चन, क्या वैल्यूज हैं 53, 63 और उसके बाद में आगे के नंबर, 53, 63 और आगे के नंबर आपके पास हैं, क्या आंसर देंगे? नमस्ते, अरे मनदीप कौन, मनदीप जी चले बढ़िया, क्या आंसर देंगे क्वेश्चन का बेटा? अरे मनदीप कैसा है, कैसी है, कैसा तो क्या है, चले बढ़िया है, तेरा बैंक वैंक का क्या रहा बेटा? अरे वाह, LIC एडवोकेट, मतलब लग तो गई नौकरी है, तो डब्बा उब्बा बटवा दे, चल बहुत ही बढ़िया बच्चा, खुश हुआ मैं कि तेरा नौकरी लगा, LIC एडियो हो गया, क्लियर हो गया तो बहुत है, ठीक है। चल हमें तो एक ही नौकरी चाहिए, कहीं भी मिल जाए, जो भी मिले, ऑल द बेस्ट, आ जाएगा बेटा, हो जाएगा, बस मन लगा के रखो, हो जाएगा, ईमानदारी से लगे रहो, बस ईमानदारी 100% ईमानदारी और कुछ नहीं है ना, अपने लिए अपने कंटेंट के लिए ईमानदारी, बस उसके बाद ही सिलेक्शन बेटा, ठीक है, बन जाएगा। चले आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन भी क्या था, तो पहला काम जब सीरीज के क्वेश्चन करते हैं सॉल्व तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीरीज के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं तो दिमाग ज्यादा नहीं खर्च करते। एक आता है बेटा 55, एक है 63, फिर आपके पास लगा दिया क्वेश्चन मार्क, और फिर आ गया था आपका 343, उसके बाद लिख दिया इसे 855, ओहो ज्यादा नंबर बढ़ गया, फिर 1855 सीधा सीधा सही, गजब बढ़िया। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पहला है अंतर देखा गया 8 का, नहीं पता क्या है, पर यहाँ पर अंतर देखा गया तो कितने का, और यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है 1000 का अंतर है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, यहां तक क्या लेस कर लेंगे और क्या होगा, 2 यहाँ पर आएगा तो मेरा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 512। अब मुझे संख्याएं याद होनी चाहिए भाई, संख्याएं याद है, ये 2 का क्यूब है तो ये मुझे लगता है किसका है भाई, 8 का क्यूब है तो ये 10 का क्यूब है। अब भाई मेरे क्या करना है, यहाँ पर 4 का क्यूब था और ये 6 का क्यूब है भाई, कंफर्म, अगर 4 का क्यूब मैं 64 इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा 127, कहां पर है भाई, ये रहा डी, 127 मेरे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इसमें 64 जोड़ने के बाद 125 जोड़ा जाएगा और क्वेश्चन की वैल्यू बन जाएगी आपकी, बिल्कुल बढ़िया है ना। चल तेरे को याद है, मास्टर भी याद है, अच्छी बात है। अरे यार वो तेरा कंसेप्ट ठीक था, मैं देखता ही नहीं, तो व्हाट्सएप पे मैंने कल खोला तो था पर वो बस खोलने के बाद सो ही गया है ना, ठीक है चल आ जा, बिल्कुल बिल्कुल आ, मिलते हैं बिल्कुल यहीं पे, आ जाते तो व्हाट्सएप पे यहाँ पे दिखा देंगे इन बच्चों को भी कि है ना सर के साथ में यहीं पे, अगर आ जाओ चाहे तो ऑनलाइन का देख लेना, एक बार कॉल कर लेना बेटा है ना, कॉल के बाद बताते हैं, ठीक है तो बढ़िया। एक बार आते हैं वापस से कंसेप्ट पे, कंसेप्ट था नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन पे क्या आंसर देंगे भाई, ये तो क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आसान था पर तुम्हें दिखे पाया, दिखेगा क्या एक बार देख लेना है ना, मुझे लगता नहीं कि दिख पाएगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, तो चलिए फटाफट से आंसर दो क्वेश्चन का, क्या आंसर बेटा? क्या आंसर इस क्वेश्चन का दिख रहा है ना, बिल्कुल यस दिख रहा है, बताइए क्या आंसर है क्वेश्चन का, क्या सीक्वेंस बनेगा इन वर्ड्स को अगर जमाते हैं सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो क्या आपका आंसर आना चाहिए, वर्ड्स को जमाना है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। अच्छा व्हाट्सएप की बात थी तो ला खोल ही लेते हैं तेरा व्हाट्सएप भी, यही खोलते हैं ऑनलाइन ही खोलते हैं ना, नहीं दीपक कहेगा सब मेरा तो देखते नहीं गुरु जी,
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं. और दीपक मतलब क्या लास्ट में बेटा 4-1 है. अच्छा ठीक है, मैं भी देता हूं, बोर्ड पे लिख देता हूं इसको. पहले इसको देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं आपके. ठीक है, इसके नाम पे जाने. तो देखो पांचवा सेट है, पांचवा है तो इसको जाने दो. मतलब 2 और 5 को देखा गया तो टी आर ए था क्या. टी आर ए आपके पास है ट्रा और ये टी आर ए है. मुझे जस्टिफाई नहीं हो रहा भाई इनको क्या लिखा हुआ है. टी आर एन है ए है, टी आर ए है ए है. ठीक है तो पांचवा मैं मान के चलता हूँ कि पांचवा पहला है वो छोड़ा देते हैं. पांच एक तो जस्टिफाइड है. 5 और 1 को तो पहले ही लिखना था. 5 और 1 है ठीक है, 5-1 को पहले लिख दिया गया. अब आपके पास में क्या पूछा इसने. 5-1 तो 3 पहले कि 4 पहले. तो 3 में लिखा एन और यहाँ पे लिखा ए. ये गड़बड़ था, मुझे सब स्पष्ट नहीं है ना, तो मुझे जस्टिफाई नहीं है. एक बार मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे ये क्लियर नहीं है. मैं एक बार देख लेता हूँ वापस से. टी आर ए एन है और टी आर ये भी ए ही था, ये भी ए ही है. तो पहले क्या आएगा फिर टी आर ए एन, टी आर ए एन एस, टी आर ए एन एस. ये आपके पास आ जाएगा, पहले आएगा एस और ये आई है. यहाँ पर एफ है तो 3 नंबर पहले आएगा. 3 नंबर पहले अगर आपके पास में है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, ए. कन्फर्म है, 3 नंबर पहले आ गया तो पहले आपका आंसर ए. कन्फर्म ए बन जाएगा. ये भी दोनों कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे. डन है, क्लियर. ए आपके पास क्वेश्चन का आंसर है. डन जी, बढ़िया. बढ़ते हैं आगे. तो एक क्वेश्चन इसका दीपक का था, चलो आप सभी के लिए सर्व कर देता हूँ. सॉल्व भी करना है इसको, ठीक है. इसका रहता है तो यहीं पे ऑनलाइन ही करते हैं आज इसको, है ना. आएगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है ही है. 223 का संबंध 350 के साथ में जैसा है, ठीक ऐसा ही संबंध 519 का किसके साथ है. 519 का किसके साथ है. ऑप्शन भी इसने भेजे हैं. ये बेटा 654 ही है ना पहला ऑप्शन. पहला ऑप्शन है 654, दूसरा है 687 और तीसरा ऑप्शन है 736 और चौथा ऑप्शन आपके पास है 695. 695 आपके पास क्वेश्चन का आंसर है. डन बेटा, अब ठीक है. ये ज्यादा ठीक रहेगा, मैं तो सोच रहा हूँ ऐसे ही करें, क्वेश्चन भेजो आंसर ऑन द ऑनलाइन चलाएंगे, है ना. ये ज्यादा ठीक रहेगा. ये क्वेश्चन के आंसर थे, ये विकल्प है, ये सही है कि बेटा एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था. डन, यही है क्वेश्चन, यही है ना. चलिए ए आंसर क्या था. अच्छा ये तो पुराने का था, इसका आंसर देखना बेटा क्या था. इसका आंसर क्या है और क्या लॉजिक है. 233, 736 आंसर भाई फौजी का भी आ गया, नीतीश का भी आ गया. अब ये भी बताना पड़ेगा कि आंसर कैसे लाया गया. 736 तो आ गया लेकिन कैसे आ गया. क्यूब का चक्कर है क्या, 15 का उसके बाद में 7 के क्यूब में 7 ज्यादा, 6 के क्यूब में 7 ज्यादा, 7 के क्यूब में. अरे भाई साहब, ओहो क्या ही बात है, क्या ले गया क्वेश्चन यार, बहुत ही बढ़िया. सिंपल सा तो क्वेश्चन था मेरे बच्चा दीपक. आ जाओ, ये बेटा 6 का क्यूब है, 6 के क्यूब में 7 ज्यादा है, 6 के क्यूब में 7 ज्यादा है, 7 के क्यूब में भी 7 ही ज्यादा है, 8 के क्यूब में भी 7 ही ज्यादा है और 9 के क्यूब में भी 7 ही ज्यादा होंगे. और बहुत बढ़िया से आंसर लिख के आएगा 726. यस, देखो ऐसे ही रखेंगे समस्याएं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना. मुझे लगा क्वेश्चन को दो और यही के यही रखो ना. डन है, क्लियर है, यही है. अरे कोई नहीं, बड़ी दोस्त जो भी बोलो, तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए. एक ही बात है दिल से कि बस मैं तुम्हें अच्छा कुछ बता दूं जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बढ़िया हो जाए. चलो फटाफट चलते हैं, नहीं तो सर आ जाएंगे दूसरे वाले. आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. चलिए चलिए फटाफट से बताइए क्या संबंध होंगे इसके, इन दोनों के बीच में ना, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है बताओ. रंजना ने कुछ कहा है और संबंध की बात चल रही थी तो बताओ. चलिए आओ क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट. चलिए बच्चों फटाफट बढ़ो, हो गया डन. बस तुम मन से तैयारी करो, मैं भी कुछ देखता हूँ अच्छा कुछ अच्छा करें, भगवान कुछ अच्छा करवाएगा. चलिए, कहता है रंजना ने एक महिला से कहा, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के, पीयूष के क्या है, पीयूष के दादा हैं. ओहो, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं. पीयूष का रंजना से क्या संबंध है, पीयूष का रंजना से क्या संबंध है. माय फादर इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ योर सन. माय फादर
is the paternal grandfather of your son Pius. How? Is Pius is related to the Ranjana? ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये तो ये आंसर तो दे ही पाओगे, इसमें तो क्या ही समस्या है, इसमें समस्या है क्या? इस क्वेश्चन में क्या समस्या है? अरे बी नेफ्यू है ना, बिल्कुल सही, सही आंसर, लॉक करिए, नेफ्यू। मेरे पापा दादा हैं आपके पुत्र के, लड़की कोई कह रही है रंजना कि मेरे जो पापा हैं वो दादा लगते हैं आपके बेटे के, तो आपका बेटा जो भी होगा और दादा लगते हैं, लिखा साहब साहब पैटर्नल ग्रैंडफादर लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो नेफ्यू और बुआ जी हैं। वो क्या है, बुआ और भतीजे की बातचीत चल रही है तो बुआ जी का बात आएगा, नेफ्यू किसकी बात आएगी बेटा, नेफ्यू। कब से स्टार्ट करें, अपने आप से लागू करें, मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादाजी, तो मेरे पिता दादा लगते हैं आपके बेटे के, तो दादा मतलब मेरे भाई का लड़का है वो, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर बी, यस, डन आर डन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये कहां मिलेगा, ढूंढो इसे, ये कहां मिलता है या कहां है, ये कहां है ढूंढिए, ये आकृति किस आकृति में मिल रही है, ये आकृति किस आकृति में मिलेगी, ये आकृति किस आकृति में मिलेगी या है, अरे मिल गई, ये बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आने लग गया आजकल एसएससी में, एसएससी में ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल टाइप का बना के रख दिया, इसको क्वेश्चन क्या ही बना दिया, पर फिर भी है, क्वेश्चन तो है। चलो बढ़िया, दीपक कह रहा बी है, लेट मी चेक बेटा है क्या, बी कहां से हुआ, तो यहां से स्क्वायर का बन रहा है क्या, आ जाइए भैया, यहां से इसको मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक है बन गया, अब यहां से क्रॉस ये है क्या, बिल्कुल है, यहां से गया बिल्कुल लगा है, और यहां से क्रॉस जा रहा है क्या, बिल्कुल है, ये भी है, और ये भी एक लाइन बीच में से है क्या, ये भी है, मिल तो गया भाई स्क्वायर में, ये नहीं गया, यहां तो है ही नहीं, स्क्वायर तो है लेकिन यहां पर कोई लाइन ही है नहीं, यहां पर भी दिक्कत है, और यहां पर भी देखा जाए तो दो नहीं है, भी गलत है। चलिए तो बी परफेक्ट आंसर था, ऑनलाइन में इतना प्रॉपर देख पाए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट, यहां से दिख जाएगा, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, सीरीज बोलते हैं इसको हम लोग, लेटर सीरीज के नाम पे क्वेश्चन है, बताइए क्या है, क्या आंसर आएंगे इसके, क्या आंसर है इसके, बताइए फटाफट से, व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अरे कहां गया तू, आ जा ना भाई, बच्चे देख रहे हैं भाई, गायब हो जाता है तो, चलिए फटाफट बताइए आंसर, क्या आंसर है क्वेश्चन का, रेस्पॉन्ड ही नहीं है क्या, Z दो कम आया तो, दो बढ़ाया तो B, दो बढ़ाया तो D, दो बढ़ाया तो F, दो बढ़ाया तो S, दो बढ़ाया तो J, छोटा वाला J, अरे कुछ भी तो नहीं था, Z से B पे आया दो ज्यादा, फिर ये दो ज्यादा, फिर दो ज्यादा, फिर दो ज्यादा, तो अभी दो ज्यादा, लेकिन बड़ा छोटा तो बड़ा अब छोटा होएगा, बड़े वाले को घर भेजो, छोटा वाला यहाँ पर जिंदा है, छोटा वाला यहाँ भी है, छोटा वाला यहाँ पर भी है, ठीक, तो पहले सारे छोटे वाले आएंगे जी, अब सी से तीन ज्यादा, ये भी तीन ज्यादा है, और यहां से भी तीन ज्यादा, तो अब आएगा आर, सब में है, जे है, आर है, जे आर ई, जे आर ई, ई तो पक्का है, ठीक है, के ओ, चार ज्यादा चार, यहां से चार ज्यादा, तो ई आपके पास आएगा, मतलब ये भी आपके घर चला गया, लास्ट में एस है, क्यू है, ठीक है, लास्ट में कौन सा भी, तो यहां पर आपके पास में आ गया, तो लास्ट का कौन है, आर डब्ल्यू, पांच ज्यादा करेंगे तो आपके पास में क्यू आएगा जी, बी आएगा, और ये ऑप्शन में आपका घर चला जाता है, डन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई, बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है, डन, क्लियर। चलिए
आज के लिए मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा, अगली क्लास भी रहती है तो उसको भी आप देखा करें, वहां पर भी अच्छे क्वेश्चन समझाते हैं अविनाश सर, तो एक बार पढ़े वहां पर भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम सेम चैनल, और फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर से तैयारी करेंगे, और अब के बार SSC पार करने की पूरी विचार है तो पार कर नहीं जाएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी के लिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और चैनल पे बने रहें। थैंक यू, गुड नाइट सर।